So accountability means answerable to one section. Responsibility means completing the task in hand, given the task. ठीक है, responsibility से complete the task. Accountability being accountable, answerable. So responsibility completing task and accountability go one step ahead and it like you are responsible for the task done or answerable for the task done. This is accountability. So responsibility कहाँ से आती है? Authority. You are authority. You have authority. That's why you're responsible towards that action. After you have done the action, you are accountable for that action and you are answerable to the people, the government. Responsibility can be delegated, but accountability it cannot be delegated to others. तो अकाउंटेबिलिटी को लीगल डगान को हैव यू फॉलो द रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंगली. तो ये होगी लीगल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हैव यू अप्रोप्रिएटेड द मनी अप्रोप्रिएटली, हैव यू यूज द मनी अप्रोप्रिएटली, दोस आर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. तो यू हैव नॉट वेस्ट मनी, यू डाइवर्ट द मनी और मिस यूटिलाइज द मनी, दैट इज यू हैव यूज फंड्स इफेक्टिवली. सो यू आर डेमोक्रेटिक, यू आर डेमोक्रेटिक मीन्स यू आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक लाइक गवर्नमेंट. So ethical accountability, whether the person, whether the civil servant has that acted in an ethical manner according to the standard that is set up by the society. That's a policy and performance accountability. So transparency accountability ensure good governance. So these are, it ensure good governance. So when there is a good governance, there is a decrease in corruption, increase in trust, and there is a CE, citizen empowerment, and feedback to policy. You are take ready to take feedback for policies. So they can will function for effectively and they should be accountable to for their action towards the people and can be accountability can be ensured through the help of social audit. For example, parliament, legislature accountable to the parliament, that is answerable to the parliament. So accountability is the lifeblood of democracy. It's a lifeblood of democracy. Without accountability, democracy cannot function. सो अकाउंटेबिलिटी आती है तो ये डायग्राम ड्रॉ करने की एक होती है टॉप डाउन अकाउंटेबिलिटी, एक होती है बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी. तो टॉप डाउन में हमारे आते हैं कैग, सीबीसी एंड सीबीआई, एंड बॉटम अप में हमारे आते हैं आरटीआई एंड सिटीजन चार्टर एंड ये हमारा हो गया सोशल ऑडिट, आरटीआई, सिटीजन चार्टर एंड ऑन. तो टॉप डाउन में आते हैं हमारे कैग, सीबीसी एंड सीबीआई एंड लोकपाल, बॉटम अप में आते हैं आरटीआई, सीबीसी, आरटीआई एंड सिटीजन चार्टर एंड सोशल ऑडिट. दो टाइप की अकाउंटेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल अकाउंटिंग, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी. हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी इज लाइक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, कैपेसिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन टू चेक अब्यूसेज. तो कैपेसिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन टू चेक अब्यूसेज, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. तो पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी कैपेसिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन, जैसे जैसे हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है ना, तो लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर चेक कर रही है. तो स्टेट इंस्टीट्यूशन हैज़ अ कैपेसिटी टू चेक द अब्यूसेज, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. देन होता है हमारा होता है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स दैट अकाउंटेबिलिटी थ्रू द मीन्स ऑफ सिटीजन, मास मीडिया, मास मीडिया एंड सिविल सोसाइटी. तो सिटीजन, मास मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, दैट इज वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी. सो बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट टू द एम्पावर द पीपल, पीपल आर डायरेक्टली आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द अथॉरिटी इन पावर एंड इट लीड्स टू फास्टर चेंज एंड इज मोर रिस्पॉन्सिव. सो बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी इज मोर रिस्पॉन्सिव, इधर पीपल आर एक्टिवली इन्वॉल्व. यहाँ पे पीपल आर ए आई मीन्स एक्टिवली इन्वॉल्व, दिस अ क्विकर रिस्पॉन्स, क्विकर रिस्पॉन्स द केस ऑफ बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी. So what we don't need accountability but actionable accountability. The person is accountable as well as actionable accountable. He is answerable to it. So this will accountability ensure good governance, decrease in corruption. हमने देखा था जैसे it involves involve public and empower citizen, give voice to the people. So monopoly plus discretion minus accountability lead up to corruption. Monopoly plus discretion minus accountability lead to corruption. So monopoly plus discretion minus accountability lead to corruption. So accountability check the authority in government and there is a efficient delivery of service. So governance, in the case of governance, led to the vigilance in the organization and resources are used effectively. If resources are used effectively, you can take the example of Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri who resigned after the railway accident. So the Lal Bahadur Shastri resigned as a railway minister after the accident, railway accident. He gave the resignation after the railway accident. So he was taking the responsibility for that action. So responsibility can be delegated, but accountability cannot be delegated. Only person who is authority in power will be accountable for their action.